वैसे तो मानसून का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है, लगता है मानसून खत्म होने में देरी हो सकती है। जमीन से लेकर पहाड़ों तक सैलाब ने तबाही जो मचा रखी है। इन दिनों आधा हिंदुस्तान मौसम की मार झेल रहा है। तेज बारिश के बाद अब सड़कों पर बादलों का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। जल प्रलय का जलजला कहर बरसा रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से बरसती आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। जहां एक जीप पानी में बह गई, तस्वीरें नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट इलाके की हैं, जहां एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। दरअसल बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, नदियों का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। इसी दौरान जिम कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को घुमा रही एक जीप पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करती है और बीच पानी में आकर फंस जाती है। इसी बीच तेज बहाव के कारण जीप नदी में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी पर्यटक जीप से उतर गए थे और बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदा नदी के घाट पर बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से ओंकारेश्वर और बरगी बांध से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी उफान पर है।